जो स्टेसिस और बम्बर दरा हानियां हैं किसमें कम होती हैं? तो स्टेसिस और बम्बर दरा हानियां हैं वो कम होती है, डायनामोमीटर जो माप यंत्र होते हैं उनमें स्टेसिस लॉस या बम्बर दरा हानियां हैं कम होती हैं। भारत के घरेलू सप्लाई की वोल्टेज क्या होती है? तो भारत का जो घरेलू सप्लाई वोल्टेज है वो होता है 220 वोल्ट से 230 वोल्ट के आसपास। भारत में सप्लाई फ्रीक्वेंसी होती है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी होती है भारत में 50 हर्ट्ज। किस बाइंडिंग में टर्नों की संख्या अधिक होती है? तो टर्नों की संख्या है वो हमेशा प्राइमरी वाइंडिंग में अधिक रखते हैं ज्यादातर, अगर स्टेप अप ट्रांसफार्मर में तो सेकेंडरी में होगी नहीं तो प्राइमरी में होगी। विशिष्ट प्रतिरोधी परिपथ में, जो विशिष्ट प्रतिरोधी परिपथ होता है उसके अंदर क्या होगा? उसके अंदर धारा वोल्टेज के साथ 90 डिग्री द्वारा फेज में रहती है, इंडक्टर में पीछे रहती है और कैपेसिटर में आगे रहती है। किस चालन सामग्री को गर्म करने से उसकी चालकता, कोई भी कंडक्टिंग मटेरियल उसको गर्म करने पर उसकी चालकता घटेगी या बढ़ेगी? तो जब भी चालक को हम गर्म करते हैं तो उसकी चालकता क्या होती है? उसकी चालकता कम होती है। सर्व आधार विन्यास प्रवर्धक यानी कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन एम्पलीफायर का प्रयोग किया जाता है। तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन एम्पलीफायर का प्रयोग है हम कहाँ पर करते हैं? लो फ्रीक्वेंसी परिपथ में करते हैं। जो ब्रिज रेक्टिफायर को आमतौर पर प्राथमिकता दी जाती है, तो ब्रिज रेक्टिफायर को आमतौर पर प्राथमिकता देते हैं वो कैसे देते हैं? वो देते हैं इनको कम चरण उत्क्रम वोल्टेज की आवश्यकता होती है। तो जो भी डीसी रेक्टिफायर हैं उनको आमतौर पर प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि इनको कम चरण उत्क्रम वोल्टेज की आवश्यकता होती है। सीआरओ की क्षैतिज प्लेट पर निम्नलिखित लगाई जाती है ताकि सिग्नल की तरंग रूप को देखा जा सके। तो सीआरओ की जो क्षैतिज प्लेट है उस पर क्या लगाया जाता है? सीआरओ की क्षैतिज प्लेट पर निम्नलिखित में लगाई जाती है तो उसके सब ताकि सिग्नल को तरंग रूप में देखा जा सके, वो है अरादंती तरंग। चलचित्र निम्नलिखित पिक्चरों को श्रेणी के रूप में प्रदर्शित करता है, तो किन्हें श्रेणी के रूप में प्रदर्शित करता है? स्थिर चलचित्र है निम्नलिखित पिक्चरों को, जो स्थिर चलचित्र है उनको श्रेणी क्रम में प्रदर्शित करता है। एन किस्म के अर्धचालक में अल्पसंख्यक वाहक होते हैं, तो एन किस्म जो पी टाइप होता है एक एन टाइप होता है। एन टाइप में क्या होते हैं, पी टाइप में क्या होते हैं? एन टाइप में होते हैं हमारे होल होते हैं और पी टाइप में हमारे होते हैं इलेक्ट्रॉन। अर्धचालक की विशिष्ट चुंबकशीलता होती है, तो अर्धचालक की जो विशिष्ट चुंबकशीलता है वो कितनी होती है? तो वो होती है हमेशा जीरो अर्धचालक के लिए। पावर ट्रांसफार्मर की आयरन कोर पटलित लेमिनेटेड होती है, तो वो क्यों करते हैं लेमिनेटेड? तो पहला तो है कि हमें जो कॉपर हानियां हैं वो कम करनी होती हैं और बम्बर दरार हानियां हैं वो भी कम करनी होती हैं, इसलिए ट्रांसफार्मर की आयरन कोर को हम लेमिनेटेड कर देते हैं। ट्रांसफार्मर में स्टेसिस हानियां कम कैसे कर सकते हैं? जो स्टेसिस हानियां हैं ट्रांसफार्मर में स्टील पंडल जो पटलन है उनकी सिलिका अंश घटाकर हम ट्रांसफार्मर के स्टेसिस लॉसेज हैं कम कर सकते हैं। जीनर डायोड तब तक कार्य करेगा जब तक कि इसे चालन में रखा जाता है, तो जीनर डायोड कब काम करेगा? जब इसे रखा जाता है, हम रखते हैं रिवर्स कंडक्शन में। टीवी पिक्चरों में गति का दृष्टि भ्रम निम्नलिखित से संबंधित है, तो टीवी पिक्चरों में गति का जो दृष्टि भ्रम है किससे संबंधित होता है? तो वो होता है रेडियो रिसीविंग सेट, तो ये गलत है। दृष्टि का भ्रम रेडियो मॉनिटरिंग, इसका भी कोई इफेक्ट नहीं होता है। स्मूथ अभिराम पिक्चर के लिए टीवी स्क्रीन पर दृश्यों का प्रकट होना, ये भी गलत है। तो ये मतलब कि ये हम देखते हैं कि टीवी पिक्चरों की गति का जो दृष्टि भ्रम है, अगर रिसीविंग सेट में प्रॉब्लम हो रही है तो देखने में प्रॉब्लम आएगी, रेडियो मॉनिटरिंग सेट में प्रॉब्लम हो रही है तो भी देखने में प्रॉब्लम आएगी। स्मूथ और एविराम पिक्चर के लिए टीवी स्क्रीन पर दृश्यों का प्रकट होना, तो वहां पर भी हमें प्रॉब्लम आती है। तो इन सभी की वजह से क्या है, पिक्चर की गति का भ्रम हमें होता है। टीवी सेट में यदि हॉरिजेंटल एम्पलीफायर में दोष हो तब इसका परिणाम क्या होगा? अगर ओरिजिनल एम्पलीफायर में दोष है तो इसकी वजह से क्या होगा? इसकी वजह से होगा ये कि पिक्चर हमें बनेगी नहीं। रेडियो संचार में संचार का माध्यम होता है, तो रेडियो संचार में संचार का जो माध्यम होता है वो होता है अंतरिक्ष। सीलिंग फैन जिसमें कैपेसिटर वहन मोटर लगी होती है उसमें क्या होता है?
उसमें सीलिंग फैन के अंदर जिसमें कैपेसिटर मोटर लगी होती है उसके अंदर होगा कि इस तरीके की व्यवस्था है। कोई भी व्यवस्था है आम नहीं होती है, जैसे कि सेकेंडरी वाइंडिंग के चारों ओर प्राइमरी वाइंडिंग होती है, प्राइमरी वाइंडिंग के चारों ओर सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, तो ये व्यवस्था है। जरूरी नहीं है कि सीलिंग फैन के अंदर इस तरीके की व्यवस्था हो। ध्वनि आयाम द्वारा अभिलक्षणित होती है, तो ध्वनि किसके द्वारा आयाम अभिलक्षणित होती है? तो ध्वनि है यहाँ पर एक तो आवृत्ति और आयाम के द्वारा अभिलक्षणित होती है। एलईडी प्रकाश के उत्सर्जन होने का मुख्य कारण क्या होता है? तो एलईडी प्रकाश का जो उत्सर्जन होने का जो मेन वजह है वो क्या होती है? परिवर्तनों का संयोजन होना। तो ये एलईडी प्रकाश में प्रकाश उत्सर्जन होने की सबसे मेन वजह है ये। टीवी में धुंधली पिक्चर निम्नलिखित में से किस वजह से आती है? तो धुंधली पिक्चर आने की वजह क्या है? तो वो है आरएफ एम्पलीफायर। आरएफ एम्पलीफायर में अगर प्रॉब्लम होगी तो टीवी के अंदर धुंधली पिक्चर है, अनअडजस्टेड हो जाएगी। जो विमान निगरानी रेडार अधिकांशतः मामलों में ऑपरेट करता है, तो किस में ऑपरेट करता है? ये अधिकांशतः मामलों में विमान निगरानी रेडार है, ये करता है एल बैंड के अंदर। अति उच्च फ्रीक्वेंसी पर पृथ्वी किस तरीके से काम करेगी? तो उच्च फ्रीक्वेंसी पर पृथ्वी है परावैद्युतांक की तरह काम करने लग जाएगी। चालक का प्रतिरोध है वो लंबाई के समानुपाती होता है, इसके प्रतिच्छेद के उत्क्रमानुपाती होता है, या सामग्री की प्रतिरोधकता के समानुपाती होता है। तो ये सभी बातें हैं चालक के प्रतिरोध में होती है। मोटर परिपथ में लगी होती है, तो मोटर परिपथ में किस तरीके का प्रोटेक्शन लगा होता है? मोटर परिपथ में हमेशा ओवरलोड प्रोटेक्शन और शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन दोनों ही लगे होते हैं। समांतर पट्टी का कैपेसिटर में पट्टिकाओं के बीच के क्षेत्र को प्रावैद्युत सिल्ली से भरा जाता है। कैपेसिटर को एक सेल के साथ जोड़ा जाता है और सिल्ली को बाहर निकाल लिया जाता है। तो इसकी वजह क्या है? कुछ आवेश सेल से प्राप्त किया जाता है, इस वजह से इसको हम व्यवस्था को करते हैं। एक चालक कॉइल यंत्र में कॉइल को एक समान चुंबकीय क्षेत्र के बजाय चुंबकीय क्षेत्र में निलंबित किया जाता है। तो ऐसा क्यों करते हैं हम? ऐसा इसलिए करते हैं ताकि उसके विक्षेप को उसकी धारा का अनुपाती बनाने के लिए हम करते हैं। कोई भी चल कॉइल यंत्र है यानी मूविंग कॉइल जो भी मेजरमेंट डिवाइस होती है, कॉइल में एक समान चुंबकीय क्षेत्र की बजाय चुंबकीय क्षेत्र में निलंबित कर दिया जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा? इसके विक्षेप को धारा का अनुपाती बनाने के लिए। एन समरूप प्रकाश बल्बों को जिनमें से प्रत्येक का जो कतिपय वोल्टेज सप्लाई है पी शक्ति लेने के लिए डिजाइन किया गया है उसे सप्लाई के साथ सीरीज में जोड़ दिया जाए तो वे कुल शक्ति है कितनी लेंगे? तो वे है उस व्यवस्था में कुल शक्ति लेंगे वो लेंगे पी वाई एन। एक ऊर्ध्वाधर तार धारा का ऊपर की ओर वहन करती है, तार के लिए ठीक ऊपर वाले बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दशा होगी, तो ठीक ऊपर वाले बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की जो दशा है वो कितनी होती है? वो होती है ठीक पश्चिम की ओर होती है। धारा का वहन करने वाला एक लंबा सीधा कंडक्टर, धारा का वहन करने वाला एक लंबा सीधा कंडक्टर एक रिंग के अक्ष के साथ पड़ता है, तो कंडक्टर रिंग पर एक बल डालेगा यदि रिंग कैसी होगी? तो कंडक्टर रिंग पर बल डालेगा यदि रिंग होगी वो होगी धारा का वहन करता है। यदि रिंग धारा का वहन करता है तो कंडक्टर रिंग पर है बल डालेगा उस कंडीशन में। एक समांतर पट्टी का कैपेसिटर में पट्टिकाओं के बीच के क्षेत्र को प्रावैद्युत सिल्ली से भरा जाता है, कैपेसिटर के एक सेल के साथ जोड़ा जाता है तो सिल्ली के बाहर निकल जाता है, किस वजह से? उसकी वजह है कि कुछ वोल्टेज है वो सेल से प्राप्त किया जाता है। एक कैपेसिटर में ईएमएफ तथा कंपित आंतरिक प्रतिरोध के एक सेल के साथ जोड़ा जाए तो पूर्णतः आवेशित किया जाता है, तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है कि कैपेसिटर के में जो विभव अंतर है वो ई होगा। कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर, तो कैपेसिटर की कैपेसिटी है हम कैसे देते हैं या कैसे पता चलता है कैपेसिटर की कैपेसिटी इतनी है? तो उसकी जो वजह होती है
वो होती है, एक तो प्लेट के क्षेत्रफल के साथ साथ बढ़ती है, कैपेसिटी बढ़ेगी, क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्लेटों के बीच में दूरी में कमी के साथ में बढ़ती है, और प्लेटों के पृथक करने के माध्यम के परावैद्युत नियतांक के वृद्धि के साथ भी बढ़ती है। प्लग टॉप पिनों में हल्की सी झर्री या स्प्लिटिंग काटी जाती है, वो किस वजह से काटी जाती है? तो उसके काटने के या टर्मिनल को ठंडा रखने के लिए हम उसको काटते हैं। धारा एक धात्विक कंडक्टर के जरिए जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल धारा की दिशा में बढ़ जाता है प्रवाहित होती है। यदि हम इस दिशा में अग्रसर हैं तो किस दिशा में अग्रसर हैं हम? तो हम जो जा रहे हैं वो है अपवाह वेग घट जाएगा। हम भी अगर इसी दिशा में जाएंगे तो अपवाह वेग क्या हो जाएगा? घट जाएगा। BIR बायरो में कॉपर के चालकों पर सदैव टिन की परत चढ़ जाती है, तो वो क्यों चढ़ाते हैं कॉपर के वायरों पर? टिन की परत क्यों चढ़ाते हैं हम? तो उसकी वजह होती है कि कॉपर के चालक पर सल्फर अंश के आक्रमण को रोकने के लिए हम परत चढ़ाते हैं। परिपथ विलयन यानी जो सर्किट ब्रेकर होता है, परिपथ वियोजक सर्किट ब्रेकर, और रिले की तुलना में HRC फ्यूज एवं बेहतर प्रोटेक्टेड डिवाइस है। HRC फ्यूज है, बेहतर और प्रोटेक्टेड डिवाइस है। क्यों है ऐसा क्यों होता है? उसकी वजह है कि जो ऊष्मीय प्रतिबलों के विषय में, ये क्या होता है, सेंसिटिव होता है, ऊष्मीय प्रतिबलों के विषय में ये सेंसिटिव होगा। अब देखते हैं ए और बी के बीच में हमें रेजिस्टेंस निकालना है, तो ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, तो ये तो क्या हो जाएगा, इग्नोर हो जाएगा, ये R/2, ये तो हो जाएगा 2R, ये हो जाएगा 2R, और एक R ही रह जाएगा, तो डायरेक्ट फाइनल आंसर आ जाएगा हमारे पास में R/2। एक 10 mA रेंज के 1 किलो 1 mA में 1 ओम प्रतिरोध की एक कॉयल है। ए रेंज के एमीटर के तौर पर इसका प्रयोग करने के लिए अपेक्षित क्षमता में प्रतिरोध होना चाहिए, तो कितना प्रतिरोध है यहाँ पर होना चाहिए, तो कैसे निकालेंगे इसको हम निकाल के देखते हैं। तो यहाँ पर हम देखें कि 10 mA रेंज के 1 mm एमीटर रेंज दे रखी है, 10 mA रेंज का 1 mm दे रखा है एमीटर, 1 ओम का प्रतिरोध दे रखा है कॉइल। ए रेंज के एमीटर तौर पर इसका प्रयोग करना है तो अपेक्षित शंट में प्रतिरोध होना चाहिए, तो अपेक्षित शंट में प्रतिरोध किस तरीके से निकालेंगे? अपेक्षित शंट में प्रतिरोध निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, जैसे इस तरीके सॉल्व कर लेते हैं। जैसे IG की वैल्यू क्या है, 10 × 10³। ए हो गया यहाँ पर 1 × 100, क्योंकि यहाँ पर जैसे IG की निकालते हैं तो IG क्या हो जाएगा, 10 × 10³ यानी 10/1000 करेंगे तो 1/100 आ जाएगा IG की वैल्यू। तो G हो गया यहाँ पर 1 A, I करंट भी दे रखा है 1 A, IG की वैल्यू हो जाएगी जब हम रेंज को निकालते हैं एमीटर की रेंज को, प्रतिरोध को, I×S/G+S, यानी S हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पर, क्योंकि ये रेंज एक्सटेंशन करनी है हमें, तो S की वैल्यू निकालेंगे तो पक्षांतरण करके इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 1/1000 × 9 ये क्या हो जाएगा, इसे कैंसिल करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/100 अलग और ये अलग हो जाएगा, तो S-S/100 = हो जाएगा 1/100, तो ये S की वैल्यू यहाँ से इस तरीके से आ जाएगी 1/99S। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 किलोग्राम द्रव्यमान वाली बंदूक से 10⁻²⁰ kg की गोली 500 m/s की गति से फायर की जाती है, तो गोली की गतिज ऊर्जा बंदूक की गतिज ऊर्जा से अनुपात क्या होगा? तो जैसे हम इसको देखते हैं इस क्वेश्चन को, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, जैसे ये देख लेते हैं हम, गोली के बाद में जो संवेग दे रखा है क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो गोली के बाद का संवेग और गोली के पहले का संवेग देख लेते हैं। गोली के बाद का संवेग क्या हो जाएगा, 1 × 10² × 500+k, 5 × b यानी m × b के अकॉर्डिंग आ जाएगा, द्रव्यमान कितना दे रखा है 5 kg, तो 5 × b आ जाएगा। तो इसकी जगह बाद वाला पहले वाला संवेग है, गोली चलने से पहले जो संवेग था वो 0 था क्योंकि स्थिर थी, इसके अकॉर्डिंग आ जाएगी 5 + 5 b यानी b की वैल्यू आ रही है -1 ms। इसका मतलब क्या है, बी की वैल्यू 5 − 1 ms आ रही है, इसका मतलब होता है कि जो गोली है बंदूक की गोली 1 m/s के वेग से विपरीत दिशा में हटेगी, तो इसका आंसर क्या होगा यहां पर पूछा है, बंदूक की गतिज ऊर्जा से अनुपात क्या होगा,
तो ये अनुपात होगा 0.5 × 10 की पावर 3। उसके बाद में पूछा है यहाँ पर गोली की गति जुड़ जा और बंदूक की गति जुड़ जा के बीच में अनुपात, तो गोली की गति जुड़ जा बंदूक की गति जुड़ जा हम इस तरीके से निकाल लेंगे क्योंकि यहाँ पर दे रखा है। गोली की गति जुड़ जा क्या होगी, 1/2 × 1/100 × 500 × 500 क्योंकि 500 मीटर पर सेकंड दे रखी है। इसी तरीके से डिवाइड बाई बंदूक की गति जुड़ जा क्या होगी, 1/2 × 5 × 1 × 1। तो इसके अकॉर्डिंग अनुपात आ जाएगा हमारे पास 500:1, यानी 0.5 × 10 की पावर 3 लिख सकते हैं 500 को 1। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 0.5 × 10 की पावर 3। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर W न्यूटन है। अब यह भार पृथ्वी की त्रिज्या की आधी ऊंचाई पर कितना होगा, तो पृथ्वी की त्रिज्या की आधी ऊंचाई पर है इस भार में कितना परिवर्तन आएगा वो हम देखते हैं। तो इस में परिवर्तन आएगा वो 2W/3 आएगा। अब ये कैसे आया 2W/3 वो हम देख लेते हैं। अब यहाँ पे कैसे होगा ये, जैसे कि ये भार है, जैसे भार कितना हो जाएगा यहां से देख लेते हैं हम। जैसे एस ऊंचाई पर हमें भार निकालना वस्तु का, तो एस ऊंचाई पर भार किस तरीके से आएगा, क्योंकि भार होता है वो एमजी होगा, भार का जो फॉर्मूला एमजी होता है। एस ऊंचाई पर अगर त्वरण निकालना, तो एस ऊंचाई पर त्वरण क्या होता है, त्वरण चेंज हो जाता है, जी डैश की वैल्यू हो जाएगी जी आर डिवाइड बाई आर प्लस एच। तो जी डैश की वैल्यू है जी आर डिवाइड बाई आर प्लस आर बाई टू, क्योंकि एच की जगह हम लिख देते हैं आर बाई टू, एच की जगह जैसे आर बाई टू लिखेंगे तो डब्ल्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी एम, एम कौन सा हो जाएगा ये, और जी की वैल्यू चेंज हो गई है, जी की वैल्यू हो गई 2g/3, 2g/3 लिख दिया, एम जी की वैल्यू होती है डब्ल्यू। तो इसके अकॉर्डिंग जो डब्ल्यू है हमारे पास में वो क्या हो जाएगा 2/3w, यानी ये भार हो जाएगा एच ऊंचाई पर। अब ऊंचाई क्या है, ये हाफ कर दी, अगर इसका 4 कर देते हैं तो 4 के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, 8 कर देंगे तो 8 अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। तो ये त्रिज्या की आधी कर दी, क्योंकि जो पृथ्वी की त्रिज्या है उसकी आधी ऊंचाई पर ये 2w/3 होगा। लकड़ी के टुकड़े का आयतन 4/5 भाग किसी तरल में डूबा हुआ तैर रहा है, यदि लकड़ी का अपेक्षित घनत्व 0.8 है तो तरल का घनत्व कितना होगा। तो यहाँ पर तरल का घनत्व निकाल लेते हैं, तो तरल का घनत्व है यहाँ पर कितना आएगा, तरल का घनत्व निकालेंगे तो तरल का घनत्व आ जाएगा 1000 g/m². अभी कैसे निकालते हैं वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि लकड़ी के टुकड़े का 4/5 भाग डूबा हुआ है और अपेक्षित घनत्व 0.8 है, तो लकड़ी का अपेक्षित घनत्व दे रखा है 0.8, तो तरल का घनत्व निकालना है। तो तरल का घनत्व कैसे निकालेंगे, क्योंकि जो लकड़ी के टुकड़े का भार है यहाँ पर हम देखें तो लकड़ी के टुकड़े का भार और उसके द्वारा जो विस्थापित तरल है उन दोनों का भार बराबर होगा, जो जो लकड़ी का टुकड़ा डूबा हुआ है उसका भार और उसके द्वारा जो विस्थापित तरल का भार बराबर होगा, यानी बी इंटू 0.8, 0.8 क्वेश्चन में दे रखा है इक्वल टू 4/5 भाग भी लकड़ी का डूबा हुआ है तो 4/5 भाग डी, तो ये तरल का भार आ जाएगा, तरल का घनत्व आ जाएगा, ये है 8/10b, तो बी आ जाएगा इसके अकॉर्डिंग, तो डी की वैल्यू है तो डी बी से बी कैंसिल हो गया, तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी की वैल्यू आ जाती है यहाँ पर 4, जैसे डी की वैल्यू निकालते हैं तो 1000 g/m³ आ जाएगा। जो श्यांता है, श्यांता की एसआई यूनिट क्या होती है, तो श्यांता की जो एसआई यूनिट है वो पावज होती है, तो इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, पावज हो जाएगी। एक 2NS संवेग द्वारा 3 किग्रा द्रव्यमान वाली पिंड की गति ऊर्जा क्या होगी, तो द्रव्यमान दे रखा है 3 kg और 2NS संवेग दे रखा है, तो गति ऊर्जा निकालनी है। तो गति ऊर्जा कैसे निकालेंगे हम, गति ऊर्जा निकालेंगे जो भी संवेग बटे द्रव्यमान, तो वो हो जाएगी गति ऊर्जा, तो 2/3 जूल हो जाएगी। तो यहां पर है पिंड की गति ऊर्जा हमें निकालनी है, तो पिंड की गति ऊर्जा कैसे निकालेंगे, पिंड की गति ऊर्जा निकालने के लिए हम क्या करते हैं यहां पर कि सबसे पहले तो इसका क्या निकालते हैं, संवेग दे रखा है द्रव्यमान दे रखा है, तो संवेग बटे द्रव्यमान क्या हो जाएगा, वेग हो जाएगा, तो सबसे पहले वेग आ जाएगा हमारा 2/3, वेग आने के बाद में हम क्या निकालते हैं गति ऊर्जा, गति ऊर्जा क्या होगी ½mv², तो ½m दे रखा है द्रव्यमान 3 और बी देख रखी है 2/3 हमने कैलकुलेट कर लिया है, तो इस तरीके से 2/3 जूल है हमारे पास में गति ऊर्जा आ जाएगी।
25 डिग्री सेल्सियस पर 300 ग्राम पानी को 0 डिग्री सेल्सियस पर 100 ग्राम बर्फ में मिला दिया जाता है, तो सम्मिश्रण का जो अंतिम तापमान है वो कितना होगा? तो यहाँ पर जब हम 0 डिग्री सेल्सियस 100 ग्राम बर्फ में मिला देते हैं इसको, तो जैसे 100 ग्राम बर्फ में इसको मिलाते हैं तो क्या होगा, टेम्परेचर है यहाँ पर अंतिम तापमान तो 0 ही होगा। ऊष्मा संभाव्यता गुणांक का जो आयाम होता है वो कितना होता है? ऊष्मा संभाव्यता गुणांक का जो आयाम है यहाँ पर वो होता है एम एल टी की पावर माइनस 3 के की पावर माइनस 1। तो ये होता है आयाम एम एल टी की पावर माइनस 3 के की पावर माइनस 1। निम्नलिखित में से कौन सा एक अचुंबकीय पदार्थ है? अचुंबकीय पदार्थ कौन सा है यहाँ पर? तो ये है अचुंबकीय पदार्थ पीतल। ट्रांसफार्मर प्रयोग में आते हैं, तो ट्रांसफार्मर केवल एसी में हम प्रयोग में लेते हैं। एक शक्ति गुणक संशोधन के लिए संधारित्र को निम्नलिखित अंशांकित किया जाता है, तो शक्ति गुणक संशोधन यानी कैपेसिटर के लिए किस तरीके से शो करते हैं इसको? केबीआर से शो करते हैं। यदि मशीन की दक्षता अधिक होनी हो तब क्या कम होना चाहिए? अगर मशीन की दक्षता अधिक होती है तो क्या कम होना चाहिए? वो होनी चाहिए इनपुट पावर। बिजली का सबसे अच्छा चालक क्या है? तो बिजली का सबसे अच्छा चालक होता है वो होता है सिल्वर। विद्युत इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर ऊर्जा रूपांतरक स्विच के रूप में कार्य करता है, जो प्रत्यक्ष धारा ऊर्जा को किस में बदलता है? प्रत्यक्ष धारा ऊर्जा को यह बदलता है प्रत्यावर्ती धारा में। इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर ऊर्जा रूपांतरक स्विच के रूप में कार्य करता है, जो प्रत्यक्ष धारा ऊर्जा को प्रत्यावर्ती धारा ऊर्जा में रूपांतरित करता है। समान वोल्टेज के लिए दो विद्युत बल्ब का पावर है 200 वोल्ट और 100 वाट है, तो 200 वोल्ट और 100 वाट दे रखा है। यदि उनका प्रतिरोध R1 और R2 है तो जो R2 की वैल्यू है वो 2R1 के इक्विवेलेंट होगी। किसी सरल उलक की लंबाई 44% बढ़ा दी जाए तो उसके आवर्तकाल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी? तो उसके आवर्तकाल में भी यहाँ पर क्या होगी, 20% वृद्धि होगी। तो ये आवर्तकाल में वृद्धि है वो किस तरीके से निकालते हैं? तो यहाँ पर 44% वृद्धि कर दे तो आवर्तकाल में कितनी परसेंट वृद्धि होगी? तो आवर्तकाल में वृद्धि कैसे निकालते हैं, क्योंकि वृद्धि निकालना नहीं होता, हम ये फार्मूला लगाते हैं। जैसे कि एल प्लस 44 एल वाई 100, तो डिवाइड बाई एल के अकॉर्डिंग निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 100 नीचे आ जाएगा ऊपर 144। तो 100 डिवाइड बाई 44 के अकॉर्डिंग हम निकालते हैं तो 100 144 हो जाएगा ये। तो 144 डिवाइड बाई 100 को हम वर्गमूल से बाहर निकालते हैं तो 0.2 आएगा। 0.2 का प्रतिशत वृद्धि निकालेंगे तो 20% वृद्धि आएगी, तो 20% यहाँ पर हमारा आंसर होगा। एक तापक कुंडली में 100 वाट और 200 वाट भी अंकित है। कुंडली को दो समान भागों में काट दिया जाता है, अब दोनों टुकड़ों को उसी सोर्स से समांतर में जोड़ दिया जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में प्रति सेकंड निकलने वाली ऊर्जा कितनी होगी? उस कंडीशन में जो प्रति सेकंड निकलने वाली जो ऊर्जा है वो हमारी इक्विवेलेंट होगी 400 जूल के। अभी 400 जूल के इक्विवेलेंट कैसे होगी वो हम देखते हैं। तो जैसे हम यहां पर देखें कि दो टुकड़ों को अगर समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है वापस, तो क्या होगा? तो यहाँ पर सबसे पहले निकाल लेते हैं पावर। पावर कैसे निकलेगी, जैसे 200 वोल्ट दे रखा है तो बी स्क्वायर बाई बी से हम निकाल लेते हैं पावर, यानी पावर होगी बी स्क्वायर बाई आर से आर की वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ से बी स्क्वायर बाई पी, बी की वैल्यू वोल्टेज रखा है 200, तो 200 × 200 / 100 यानी 400 ओम आ जाएगा। अब इसको आधा कर दिया अगर कुंडली को तो 200 ओम की हो जाएगी। कुंडली को आधा करने के बाद में क्या होगा, उसको समांतर क्रम में जोड़ दिया, यानी 200 200 को समांतर क्रम में जोड़ दिया है तो 100 आ जाएगा, तो R की वैल्यू आ जाएगी 100। और सेम वोल्टेज पर जोड़ा हुआ है, जो वोल्टेज पहले था 200 पहले से था, तो 200 × 200 / 100 यानी 400 जूल आ जाएगी। तो फाइनल आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 400 जूल। तो ये 400 जूल होगा प्रति सेकंड निकलने वाली ऊर्जा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, टेप रिकॉर्डर की ध्वनि में बुदबुदाहट किस कारण से आती है? तो टेप रिकॉर्डर की जो ध्वनि है उसमें बुदबुदाहट आने की वजह क्या है? तो बुदबुदाहट आने की वजह है कि एक तो पिच रोलर स्लिप कर रहा है, दूसरा है ड्राइविंग बेल्ट है वो ढीली है, दोनों में से एक काम हो सकता है, ये दोनों ही हो सकते हैं। तो पिच बेल्ट भी ढीली हो सकती है या फिर ड्राइविंग बेल्ट है वो ढीली होगी।
या पेच रोलर स्लिप कर रहा होगा, तो दोनों काम होंगे तभी ये बुदबुदाहट की आवाज वहां पर आती है। गुंजन ध्वनि का कारण हो सकता है, तो गुंजन ध्वनि का कारण है वो क्या हो सकता है, एक तो फिल्टर दोष युक्त, तो फिल्टर का कोई गुंजन ध्वनि से कोई कनेक्शन नहीं है, अर्थिंग खुल गई है तो इसका भी गुंजन ध्वनि से कोई कनेक्शन नहीं है, फिल्टर और अर्थिंग खुल गई है तो इनका भी गुंजन ध्वनि से कोई कनेक्शन नहीं है। गुंजन ध्वनि है रेक्टिफायर में प्रॉब्लम की वजह से हो सकती है। ध्वनि का विरूपण किन कारणों से हो सकता है, तो ध्वनि का विरूपण है किन किन वजह से हो सकता है, तो एक तो आईसी का आउटपुट घट गया है तो ध्वनि का विरूपण हो सकता है, आईसी का आउटपुट घटने की वजह से ध्वनि का विरूपण हो जाएगा। आईसी का आउटपुट फिल्टर खुला परिपथ हो गया है, ओपन सर्किट हो गया फिल्टर, तो अभी ध्वनि का विरूपण हो सकता है। आईसी को अधिक इनपुट दिया गया तो अभी ध्वनि का विरूपण हो सकता है। स्थायी चुंबक को जब दो भागों में तोड़ा जाता है उस कंडीशन में क्या होगा, प्रत्येक भाग एक दक्षिण ध्रुव और एक उत्तरी ध्रुव होगा, प्रत्येक भाग में एक दक्षिण ध्रुव और एक उत्तरी ध्रुव होगा। विद्युत परिपथ में निम्नलिखित मापने के लिए एमीटर का प्रयोग किया जाता है, तो एमीटर का नाम उपयोग हम क्यों करते हैं, धारा को मापने के लिए। उच्च तापमान निम्नलिखित द्वारा नापे जाते हैं, तो उच्च तापमान हम किससे नापते हैं, हाई टेम्परेचर नापते हैं हम, ताप विद्युत पायरोमीटर होते हैं उनसे हम हाई टेम्परेचर मापते हैं, ताप विद्युत पायरोमीटर से। माप यंत्र जिसमें पेन ग्राफ पेपर की सुविधा रहती है, पेन ग्राफ और पेपर इन तीनों की सुविधा रहती है, उस माप यंत्र को हम क्या कहते हैं, तो उस माप यंत्र को हम कहते हैं अभिलेखी माप यंत्र। एफएम प्रसारण निम्नलिखित पर होता है, तो एफएम प्रसारण है किस वेव पर होता है, एफएम प्रसारण करते हैं हम जो बीएचएफ या यूएचएफ फ्रीक्वेंसी होती है, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी या अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी पर एफएम प्रसारण करते हैं। प्रसारण ट्रांसमीटर के संबंध में उच्चतम विरूपण क्षेत्र निम्नलिखित के द्वारा बदलते हैं, तो उच्चतम विरूपण क्षेत्र प्रसारण ट्रांसमीटर के संबंध में किसके द्वारा बदलते हैं, ये बदलते हैं ऋतु से ऋतु बदलते रहते हैं। सैटेलाइट टीवी बहुत प्रसिद्ध हो गया है क्योंकि इसमें किसके माध्यम से डेटा ट्रांसमिट किए जाते हैं, तो सैटेलाइट जो टीवी है उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम इनमें से कोई भी ट्रांसमिशन वो यूज नहीं करते, सैटेलाइट में हम डायरेक्ट ट्रांसमिशन यूज करते हैं सैटेलाइट टीवी में। विद्युत मापयंत्रों में विद्युत ऊर्जा निम्नलिखित के रूप में स्थानांतरित होती है, तो विद्युत जो मापयंत्र होंगे उसमें विद्युत ऊर्जा किस वजह से स्थानांतरित होती है, तो वहां पर क्या होगी, जो यांत्रिक ऊर्जा है उसको विद्युत या माप यंत्रों में हम मेजर कर सकते हैं। मानव शरीर से गुजरने वाली धारा का परिणाम आघात की अनुभूति नहीं होती है, तो किस परिणाम की अनुभूति, किस परिणाम तक मानव शरीर से धारा है वो गुजर सकती है जिसमें आघात की अनुभूति नहीं हो, तो वो है 8 से 15 मिली एम्पियर तक करंट है मानव शरीर से गुजर सकती है। और यदि कोई चालक किसी परिवर्ती वेरिएबल चुंबक के क्षेत्र में गति करता है तो उसके संपूर्ण आयतन में प्रेरित धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं, ये धाराएं चालक की गति की विरोध करती हैं, इन्हें बम्बर धाराएं कहते हैं। तो बम्बर धाराएं जो एडी करंट क्या होती है, अगर कोई चालक है वेरिएबल चुंबक के क्षेत्र में गति कर रहा है और उसके संपूर्ण आयतन में प्रेरित धाराएं उत्पन्न हो रही हैं, तो ये धारा जो होंगी वो विद्युत वाहक वाली यानी चालक की गति का विरोध करती है। बम्बर धाराओं के कारण ऊर्जा का अनावश्यक ह्रास होता है, बम्बर धाराओं को क्षीण होने के लिए ट्रांसफार्मर मोटर आदि को क्रोड यानी लेमिनेटेड करते हैं, इससे प्रतिरोध बढ़ जाता है और बम्बर धाराओं का प्रभाव है कम हो जाता है। सीलिंग फैन जिसमें संधारित्र बेन मोटर लगी होती है, इसमें स्टार्टिंग वाइंडिंग एक संधारित्र के साथ श्रेणी में जुड़ी रहती है, सीलिंग फैन के अंदर ड्रिफ्ट वेलोसिटी देते हैं 2/NEA, यानी ये जैसे ए इंक्रीज करेगा बी डी है वो डिक्रीज हो जाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीज जाती है। संतुलित ब्रिज स्टोन ब्रिज के अंदर परिणामी रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग संतुलित ब्रिज स्टोन के अंदर जो बीच में जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, जीरो होता है।